स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम राग के विभिन्न रूपों का प्रयोग और उनके उच्चारण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, राग के तीन रूप होते हैं, रा का सामान्य रूप, रे और पदे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राग के सामान्य रूप के। तो यह है बच्चों राग का सामान्य रूप। ये स्वर सहित रा का रूप होता है, यानी ये पूरा होता है और किसी भी शब्द के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में लगता है। ठीक है, जैसे रस, शोर, रुपया, रूप इत्यादि। अब हम बात करते हैं रा के दूसरे रूप के बारे में, रेफ के बारे में। ठीक है, रेफ बच्चों, ये रा आधा होता है और ये शिरोरेखा के ऊपर लगता है। यह स्वर रहित रा होता है, यानी यह आधा होता है। शब्द में इसे जहां बोला जाता है यह उससे अगले वर्ण के ऊपर जाकर लगता है। ठीक है, यानी इसको हम जहां बोलते हैं ठीक उससे अगले वर्ण के ऊपर लगेगा। जैसे धर्म, धर्म, वर्ष, वर्ष, खर्च, खर्च, पर्वत, पर्वत इत्यादि। अब हम बात करते हैं बच्चों रा के पदेन के रूप बारे में। ठीक है, तो जो बच्चों पदेन का रूप होता है वो दो प्रकार से लगता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, एक तिरछी रेखा के रूप में और एक वीक उल्टे वी के रूप में। ठीक है, अब पदेन, पदेन का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो ये किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। ठीक है, यानी पैर में लगता है उसके। और ये बच्चों खड़ी पाई वाले व्यंजनों में ही लगता है, जैसे क, ख, च, मा। ठीक है, यह स्वर सहित रा होता है, यानी कि ये पूरा रा होता है। जब रा से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो रा उस वर्ण के नीचे लगता है। रा से पूर्व यानी रा से पहले कोई भी वर्ण स्वर रहित यानी आधा होता है तो रा उस वर्ण के नीचे लगता है। और बच्चों जो रा की आवाज होती है जिस व्यंजन में वो लगता है ठीक उसके बाद ही उसकी आवाज आती है। जैसे क, र, म, क्रम, प, र, प्रण, प्रण, व, र, म, ब्रह्म इत्यादि। अब है राके पदेन का दूसरा रूप। ठीक है, यह भी स्वर सहित राहु का रूप है, यानी यह भी पूरा होता है। पर बच्चों जो राका पदेन का ये वाला रूप है ये केवल गोल आकार के वर्णों में ही लगता है, जैसे ट, ठ, ड। ठीक है, और बच्चों ये ज्यादातर अंग्रेजी भाषा के शब्द जो होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें लगता है, जैसे ड, र, म, ड्रम, मेट, रो, मेट्रो इत्यादि। बच्चों आप लोग रा के विभिन्न रूपों का अभ्यास अपनी पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।